हम शुरू करते हैं ना आपसे, ठीक है, फिर एक एक करके हम अच्छे लोगों से शुरू करते हैं। किसने बचाया, किसने किसने फंसाया, किसने बचाया? आपको बताओ, सारी जिंदगी मतलब वो तो हम कहते हैं ना कि जैसे हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुरान शरीफ का हवाला देते हैं कि मियाँ बीवी दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन लिबास सिर्फ आपको उसकी इतनी सारी खूबसूरती है ना कि वो आपको एम्बेलिश भी करता है, वो आपकी खूबसूरती को निखारता भी है, वही लिबास आपकी इज्जत भी रखता है, आपको ढांपता भी है। बिल्कुल। तो जो इज्जत रखने वाला मामला है वो कभी कभी इस तरह हो जाता है, क्योंकि मेरी और रोजर की कभी लड़ाई नहीं होती थी, माशाल्लाह नहीं होती थी, लेकिन जब होती थी एक ही चीज पे होती थी कि पैसों पे, पैसे के खर्चों पे। मेरे मियाँ का माशाल्लाह दिल इतने वो शाखर्ष थे और दिल इतना बड़ा था कि कल की फिक्र ही नहीं, बहुत अल्लाह तवक्कल थे। और ऊपर से अगर उनको पता चल गया ना कि सना की ये नीड है या इसको ये काम है या निदा का ये, सना या निदा कहने की जरूरत नहीं होती थी, वो काम हो जाता था। और होने के बाद उनको बता दिया कि अच्छा सना मैंने फलाना से बात कर ली है, वो आपको कॉल करेगा, ये चीज़ हो गई है। उस चक्कर में बिकॉज ही लव्ड टू डू थिंग्स फॉर पीपल, तो उस चक्कर में ही लाइक टू स्पेंड ऑन पीपल। और फिर अगर वो सही जो पक्का मुसलमान नहीं होता कि जो चीज मैं अपने लिए पसंद करूं मैं दूसरे के लिए, भाई वो कभी कभी अफोर्डेबल भी नहीं होती ना आपके लिए, चलो एक अपने लिए तो ले लिए, दूसरे के लिए ना लो वो। मेरे साथ एक बार बड़ा फनी इंसिडेंट ये हुआ कि हम मुझे कुछ मैंने पैसे सेव किए, कुछ मैंने वो ज्वेलर के साथ, तो आपके कार्ड पे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मेरे पास कुछ सेविंग हो गई। मैंने कहा अब मैं अपने लिए कुछ लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली अपनी ज्वेलरी वूलरी नहीं बनाती इतनी। और मैं चली गई ज्वेलर के पास, मैंने एक चीज़ पसंद भी कर ली, मैंने अपने लिए उसका वो भी कर लिया कि मुझे इतने का पड़ रहा था, मुझे इतने का पड़ेगा, आई वॉज गेटिंग अ गुड डील, आई एम द सेवर। गलत बंदे के साथ चली गई ना। क्या हुआ? तो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा अब मेरी बहन की बर्थडे आ रही थी, आशी की बर्थडे आ रही है, आशी के लिए भी ले ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं, हालांकि मैं इरादा नहीं था कि बहन को, तो मैं तो जब एक ऑर्डर किया ये तो फंसाने वाली बात, एक ऑर्डर फंसाया आपको, फिर मुझे कहते हैं बट यू कांट जस्ट गेट इट फॉर हर, फिर बाकी बहनों के लिए नहीं लोगी। ओह माय गॉड। मैंने वहां बैठे बैठे तीन मेरी बहनें, एक मेरी जेठानी और एक मेरी नंद, माय गॉड, और एक मैं, मैं भाई गोल्ड मार के पूरा खर्चा करके आ गई। कितना? सात गुना हो गया ना। ओह माय गॉड, कुछ और गया यार। आई मतलब मैंने बाद में सोच रही हूँ कि ये मैंने किया क्या है, और वो आप बुलडोज नहीं हो जाते? अच्छा अब मैं कैसे मना करूँ कि कह तो मेरी बहनों के लिए रहे भाई। अब नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे मुझ जैसे लोग है ना, वो हिप्नोटाइज कर देते हैं अगले बंदे को, वो सोचने समझने की ताकत क्या होता है, कैसे करते हैं हिप्नोटाइज, मुझे भी बता दो। शुरू में ही बात कही थी कि सना बिल्कुल वैसी जैसे मेरे मियां होते थे। और हंसी हंसी खेलते खेलते हंसते हंसते मजे में, बंदे को फंसा दो वो वाला हिसाब है सना से। तो आप सोचे कि मैं अपना नुकसान करके आ गई उल्टा। अल्लाह। और अब बजाय से कि चीज की खुशी होती कि मैंने, मैंने कहा मैं तो सेविंग करने गई थी, दुखी होके आ गई। अब मेरे और यही होता था कि अच्छा वो मेरे ब्रदर ने कहा एक बार मुझे कि भाई मैं तुम्हारे मियाँ के साथ शॉपिंग नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? लंदन में थे, कहते हैं वो उसने मुझे हर वो चीज खरीदवाई है जो मैं कभी ना लेता, सिर्फ ये कहकर इतनी अच्छी डील मिल रही है, गेट इट, यू नो हाउ मच यू आर सेविंग। कहते हैं वो 200 पाउंड बचाने के चक्कर में मैंने 600 खर्च दिए। ये टसल रहती थी, तो वो कभी कभी ना लड़ाइयाँ होती थी, मैं सख्ती से अड़ जाती थी, नहीं हो सकता ये। क्या करें? अब वो एक तो अम्मी दुआ बहुत प्यारी दुआ दिया करती थी, अम्मी कहती अल्लाह मियाँ जितना बड़ा मेरे बेटे का दिल है ना उतनी बड़ी इसकी जेब करते हैं। हाँ, तो वो जेब फिर यहाँ से निकलती थी।